So hey, what's up guys, this is Mr. Shaggy, welcome back to my YouTube channel. So guys, आज की वीडियो बनाने का रीजन ये है कि आज मैं बहुत 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 ही ज्यादा खुश हूँ, अंदर से बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ. इसका रीजन ये है कि गाइज रिसेंटली मेरा 4000 का वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है. हाँ गाइज, बस मैंने पांच महीने बस हुए रहेंगे वीडियो स्टार्ट करते मैंने यूट्यूब अपना चैनल ओपन करके, और मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है. ये वीडियो आपको अपलोड करके, मतलब आप ये वीडियो देख रहे तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, लेकिन थोड़ा बीच में बिजी था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया. तो आज की वीडियो में हम लोग बात ये करेंगे कि आपका चैनल अगर मोनेटाइज कैसे करे, मतलब जब आपका 4000 का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं, तो आगे क्या करे, कैसे अप्लाई करे मोनेटाइजेशन के लिए, और किन किन बातों का ध्यान रखे, तो सब इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है. और हाँ गाइस, इस वीडियो में मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मैंने कैसे बस 5 महीने में और 4 वीडियोज में मैंने अपना 4000 का वॉच टाइम कैसे कंप्लीट किया. आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कैसे कर सकते. सो गाइस, वीडियो आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत ही हेल्पफुल बनने वाली. सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना. और सबसे मेन चीज, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट और एकदम मस्त वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे. सो गाइस, वीडियो को करते हैं स्टार्ट. सो गाइस, सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर में जाना है. क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, मेरा नेट थोड़ा स्लो है, मैं थोड़ा हिस्ट्री क्लियर करता हूँ. आपको क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद यूट्यूब स्टूडियो ओपन करना है डेस्कटॉप साइट से, जैसे कि मैंने किया है. यहाँ पे अब आप देख सकते हैं इस तरह का पेज ओपन होगा, आप तो पहचान ही जाओगे. यहाँ से आपको जाना है मोनेटाइजेशन की सेटिंग में. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा 4000 का वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है, 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो चुका है. अभी अप्लाई नाउ पे हम लोग करेंगे क्लिक. यहाँ पे देख सकते हो आप, अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको कुछ यहाँ पे जो आपको यहाँ पे 3 स्टेप कंप्लीट करना है. सबसे पहले हम लोग क्लिक करते हैं पहले स्टेप पे. फर्स्ट स्टेप ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है, यहाँ पे आपको सब पढ़ना है. कोई पढ़ता तो नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ा था, मैंने ऊपर किया. और लास्ट में आपको आई एक्सेप्ट पे के ऊपर क्लिक करके एक्सेप्ट टर्म्स कंप्लीट कर देना है. यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये 2-3 सेकेंड का टाइम लेगा. और यहाँ पे नाउ स्टार्टेड बताया है, यहाँ पे आपको डन मिल जाएगा, जैसे कि मेरा अभी आ जाएगा कुछ ही सेकेंड में. तो आप देख सकते हैं स्टेप वन मेरा कंप्लीट हो चुका है, स्टेप वन कंप्लीट पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. अभी हम लोग जाएंगे स्टेप टू की तरफ. स्टेप टू पे हम लोग स्टार्ट कर देंगे जहाँ पे आपको आपका गूगल साइन इन करना है एडसिन पे. यहाँ पे देख सकते हैं मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये पूछेगा आपको आपका पहला गूगल अकाउंट है, तो मेरा नहीं था, मैंने नो कर दिया, नो आई डोंट हैव एग्जिटिंग अकाउंट. तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है. ये मेरा थोड़ा सा हो रहा है प्रॉब्लम, ये मैं अपने फ़ोन के थ्रू कर रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है. गाइस, आप अपने लैपटॉप पे पीसी पे करोगे तो आपको इजी पड़ जाएगा. तो थोड़ा सा ये इसे हम लोग कर देंगे कंटिन्यू. अभी मैंने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया. अभी आप यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे जितने भी अकाउंट है, मुझे जो अकाउंट से अपना साइनअप करना है साइनिंग करना है उस पर मैं कर दूंगा क्लिक. ये थोड़ा सा अभी ये ओपन हो गया मेरा अकाउंट. तो यहाँ पे देख लीजिए ऊपर कर रहा हूँ मैं. तो ये पेज ओपन होने के बाद गाइस आपको नो पे क्लिक करना है. यहाँ पे आपको करना है आपकी कंट्री सिलेक्ट, जो कि है इंडिया. तो इंडिया आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना. हाँ, यहाँ पे इंडिया, ये आप इंडिया अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेना. यहाँ पे ऊपर लेके यहाँ पे भी थोड़ा टर्म्स एंड कंडीशन है, यहाँ पे भी आप यस आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, और यहाँ पे क्लिक करके आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना. थोड़ा सा वक्त लेगा ये, अभी डायरेक्टली जाएगा अपने गूगल अकाउंट में, गूगल एडसिन पे. यहाँ
यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको जो अकाउंट है यहाँ पे आपको इंडिविजुअल कर देना है। अकाउंट टाइप आप ध्यान में रखना कि बिजनेस अकाउंट नहीं करना है, इंडिविजुअली करना है। यहाँ पे आप अपना नेम, एड्रेस, पूरा एड्रेस जो है एड्रेस लाइन वन एड्रेस लाइन टू फिलअप कर देना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, देख लीजिए। यहाँ पे मैं अपना एड्रेस पूरा फिल कर देता हूँ, आप वीडियो को तब तक स्किप भी कर सकते हो। एड्रेस लाइन टू में अपना एड्रेस डाल रहा हूँ। और एक बात ध्यान में रखना, आप अगर आपका एड्रेस फिलअप करते हो तो आपका एड्रेस में आप अपना फ़ोन नंबर भी ज़रूर डाल देना, क्योंकि आपका जब $10 कंप्लीट होने के बाद जो आपके घर में जो एडसिन का मतलब जो आता है एड्रेस वेरीफिकेशन का पिन आता है, तो आपका एड्रेस उन्हें नहीं मिला तो आपको कॉल करके वो दे सकते हैं। इसलिए ये ध्यान में रखना कि आपको अपना मोबाइल नंबर भी आपके एड्रेस में डालना है। यहाँ पे आपको अपनी सिटी का नाम, पोस्टल कोड मतलब पिन कोड, वो सब फिलअप करके यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्ट करना है आपका महाराष्ट्र, मेरा महाराष्ट्र है, आपको कौन सा भी रहेगा आप कर सकते हो। और यहाँ पे आप मैन्युअली अपना फ़ोन नंबर भी लिख सकते हो, मतलब आपको लिखना ही है। अब यहाँ पे सबमिट के ऊपर हम लोग करेंगे क्लिक, एक बार हम लोग चेक करेंगे अपनी डिटेल पूरी बराबर है या नहीं। मैंने यहाँ पे कर लिया है चेक, सब परफेक्ट है एकदम। तो अभी मैं जाऊँगा कंफर्म करने, सबमिट करने। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है सबमिट। यहाँ पे हमें कैंसिल पे क्लिक कर देना, ये रिडायरेक्ट टू योर होस्ट, इसका कुछ नहीं। तो अभी ये सब करके ये अभी हम लोग को डायरेक्टली ला देगा अपने YouTube स्टूडियो पे, छोड़ देगा ये, देख लीजिए। तो ये सेकेंड स्टेप भी अभी थोड़ी देर में, ये अभी इन प्रोग्रेस में है, ये 2-3 घंटे का वक्त लेगा आपका चैनल रिव्यू में डालने के लिए। और अगर एक बार आपका चैनल रिव्यू में चला गया तो वो आपको 2 या 3 दिन का टाइम ले सकता है चैनल रिव्यू होके मोनेटाइज होने के लिए। मेरा तो जस्ट 2 दिन का टाइम लिया था और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। आप तो जानते रहेंगे कि रिव्यू में क्या चेक करते हैं, रिव्यू में ये चेक करेंगे कि आपका चैनल लीगली है या नहीं, आपके चैनल पे वीडियोस लीगल है या आपने कहाँ पे करके अपने व्यूज़ लिया है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। देख सकते हैं आप अभी यहाँ पे इन प्रोग्रेस बताया है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा स्टेप 2 भी कम्प्लीट हो चुका है, अभी स्टेप 3 मेरा इन प्रोग्रेस है, मतलब मेरा चैनल गया है रिव्यू में। सो गाइज आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके मुझे जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। और सबसे मेन चीज मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करते हुए जाना गाइज, क्योंकि आपकी हेल्प की वजह से मैं आगे और ग्रो करता रहूंगा और वीडियो ऐसे ऐसे बनाता रहूंगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा आपकी वजह से। सो गाइज अभी के वीडियो में फिलहाल तो इतने ही, अब मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के लिए तरफ आगे की। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, बाय।